नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप यादव हिम्स हॉस्पिटल डेरा बस्सी से। आज हमारे साथ सरोज जी के बेटे और बेटी हैं जो उनकी बीमारी के बारे में बताएंगे। उनको सीए सर्विक्स था तो आज उनको कितना आराम आया जिस दिन हमारे पास आए थे, तो इस 7 दिन का सफ़र कैसा रहा वो इन्हीं का अनुभव शेयर करवाते हैं आप लोगों से। धन्यवाद संदीप सर। हमारी मम्मी को सीए ऐसी जगह हुआ जहाँ से 3 भाग जुड़े हुए थे, और चूँकि उनका रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम था तो वो हम थोड़ा सा, हमने इसके पहले भी एक वीडियो बताए थे कि हम थोड़ा सा हिम्स आने में लेट हो गए। काफ़ी नाम सुना था और यहाँ के आयुर्वेदिक जो मेडिकल है और जो यहाँ का डॉक्टरी स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है। उसका कारण ये है कि हमें आज 9 दिन हो गए हैं, क्योंकि मनीष आचार्य जी ने बोले थे बीमारियाँ गंभीर है, क्योंकि हमारी मम्मी को थोड़ा सा हार्ट का भी प्रॉब्लम है, थायराइड की भी गोली चलती थी, साथ में सीए प्लस सीकेडी यानी कि किडनी का भी प्रॉब्लम था। जो हमारा यहाँ पे डायग्नोसिस हुआ था तो किडनी 7/3 पे काम कर रही थी। तो आज की कंडीशन में मैं 9 दिन के ड्यूरेशंस में जो भी हमारे बीच में कम ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए, क्योंकि मम्मी हमारी 68 की एज की है, उस बीच में कभी वोमिटिंग होना, कभी लूज मोशन होना, ये सब एक हमारा एक प्रक्रिया का हिस्सा था। डॉक्टरों ने हमें समझा दिया था कि ये सब चीज़ें आती रहेगी, लेकिन आज 9 डेज के ड्यूरेशंस के दौरान हमने ये पाया कि हमारी मम्मी अभी धूप में बैठी खुद होकर चल जा रही है, और थोड़ा सा चेहरे पे भी आज रौनक है, और साथ ही साथ अभी जो बीच में ओमेडिंग वगैरह हो रही थी वो टोटल बंद है, और यहाँ से कुछ अभी खाना पीना जो जो मिल रहा है यहाँ का जो डाइट चार्ज है वो उसे स्वीकार कर रही है, तो अभी हम यहाँ से बहुत ही खुश है। और इसके बाद जो हमें हिम्स के जो भी प्रोटोकॉल है खाने के और दवाइयों के, हमें घर जा के उसे क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। यहाँ का पंचकर्म, बाथ थेरेपी वगैरह, ये कभी सभी लाभप्रद हमारी मम्मी को मिले हैं। हम सभी देशवासियों से ये कहेंगे कि यहाँ पर आए, आयुर्वेद के जो जो उपाय हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने हमें बता के गए हैं, जो यहाँ के जो फाउंडर मेंबर्स है मनीष आचार्य जी वगैरह, इन लोगों ने इसे बहुत अच्छे से डेवलप किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है हॉस्पिटल्स का वो भी काफ़ी सहयोगी है, हर प्रकार की मदद करने के लिए आगे रहता है। और बहुत सारे मेरे यहाँ पे कई लोग 7 दिन में चले गए, तो यहाँ पे हमने पाया कि बहुत सारे लोग खुश होके और डिस्चार्ज होके गए हैं, और बाकायदा उनके रिकॉन्टेक्ट्स भी आते रहते हैं। तो मैं सभी देशवासियों को, मेरी सिस्टर भी यहाँ पे प्रीति बैठी हुई है, हम लोगों भी यहाँ पर एक सेवा भाव से आए थे यहाँ देखने के लिए कि किस प्रकार से हमारा आयुर्वेदिक इलाज हो पाता है। हम सभी देशवासियों से भी कहेंगे कि एक बार आप अपने एलोपैथी डॉक्टर को छोड़कर यहाँ पर आए, यहाँ पे लगभग सभी बीमारियों का इलाज होता है, और इन लोगों का ये है हिम्स का कि आप अगर से नेचर से, नेचुरोपैथी से जुड़े रहेंगे और आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे तो आपको हिम्स आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सभी लोगों के यहाँ पे जितने फाउंडर मेंबर्स है सभी का संदेश ये है कि हमारा किचन ही हमारा वैद्य है, तो सभी लोग एक बार आए और यहाँ के डाइट्स को समझने की और यहाँ के सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में यह हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।